कल आईपीएल 2023 का छठा मुकाबला खेला गया। स्टेडियम था चेन्नई का चेपक, जिस पर हमेशा से माही की मिलिट्री ने कमाल किया है। पर कल लखनऊ सुपर जायंट के साथ खेले गए मैच में धोनी को उनके गेंदबाजों ने इतना निराश किया कि धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ने की चेतावनी दे डाली। दरअसल कल के मैच में चेन्नई के गेंदबाजों ने 13 वाइड और 3 नो बॉल फेंकी। चेन्नई के इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर आए तुषार देशपांडे और दीपक चहर एक बार फिर महंगे साबित हुए। आईपीएल 2023 के छठे मैच में चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया। 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाने के बावजूद चेन्नई की टीम बड़े अंतर से नहीं जीत सकी और लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ ने भी 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 205 रन बना दिए थे। चेन्नई के तेज गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए, इनमें 9 बॉल वाइड का भी काफी योगदान रहा। चेन्नई के गेंदबाजों ने 13 वाइड और 3 नो बॉल फेंकी। तीनों नो बॉल चेन्नई के इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर आए तुषार देशपांडे ने फेंकी। इन एक्स्ट्रा रनों से नाराज धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ने की चेतावनी दे दी है। One more thing is, you know, they'll have to bowl maybe no balls and less wides because we are bowling too many extra deliveries and or they'll have to be ready to play under a new captain, you know, at some point of time, you know, and it will be my second warning and I'll be off. मैच के बाद पोस्टकास्टिंग में धोनी ने मैच पर चर्चा करते हुए कहा, शानदार हाई स्कोरिंग मैच था। हम सब यही सोच रहे थे कि विकेट कैसा होगा। यह इस मैदान पर एकदम सही पहला मैच था। मैंने सोचा कि पिच बहुत धीमी होगी, लेकिन यह ऐसा विकेट था जहां आप रन बना सकते हैं। मैं इस विकेट से काफी हैरान था, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या हम मैच के बाद इस तरह का विकेट बना सकते हैं। तेज गेंदबाजी में हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। हमारे तेज गेंदबाज को परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी करने की जरूरत है। महत्वपूर्ण यहां देखना है कि विपक्षी गेंदबाजी क्या कर रहे हैं। इस पर नजर रखेंगे तो हमारे तेज गेंदबाज काफी कुछ सीख सकते हैं। एक और बात यह है कि उन्हें कोई भी नो बॉल या एक्स्ट्रा वाइड नहीं फेंकनी है। यह उन्हें नए कप्तान के अंदर खेलना होगा। यह मेरी दूसरी चेतावनी होगी और मैं कप्तानी से हट जाऊंगा। हमारे रन बनाने का एकमात्र कारण यह है कि सरफेस अच्छी है। इसके अलावा धोनी ने कल के मैच में कुछ ऐसा भी किया जिससे लोगों का दिल जीत लिया। जैसा कि कल के मैच में दर्शकों ने धोनी को चीयर किया था और उनके मैदान पर आने पर फैंस ने फॉन्स के टॉर्च पर कमाल का माहौल बना दिया। आप खुद ही देखिए किस तरह धोनी ने दर्शकों को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। मैं हूं अजय चौहान और ये आपके लिए खबर लिखा था सिद्धार्थ शुक्ला ने। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप देखते रहिए हमारे चैनल स्पाइस न्यूज को। धन्यवाद।